टू एसपीएसडी कानपुर, मैं शिवम गुप्ता। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपके लगभग सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं और ज्यादा कोई एग्जाम बचे हुए नहीं है, ठीक है। और आपका आज निमसेट का रिजल्ट भी आने वाला है, जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं। और वो तैयारी आप लोग इस तरीके से करते हैं कि मेनली फोकस आपका निमसेट पे रहता है। तो जिन लोगों का केवल फोकस निमसेट पे था, उन्हें बहुत बहुत हमारी पहले से शुभकामनाएं कि उनका रिजल्ट अच्छा आए और वो अच्छा सा प्रिपेयर करें वहां पे, ओके। और काउंसलिंग के लिए भी अपना जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने कलेक्ट करना शुरू कर दें, और उनके लिए आगे बेनिफिशियल होगा, जिससे कि एकदम से अर्जेंट में आपको कोई भी काम नहीं कराना होगा, ओके। तो हम लोग इस वाले वीडियो में बात करेंगे पुणे यूनिवर्सिटी के एग्जाम की, कि पुणे यूनिवर्सिटी में जो चीजें होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, कैसा सिलेबस होता है, कौन सी चीजें होती हैं, ये सारी आपको याद रखनी है, ओके। तो हम आपको बता दें कि पुणे यूनिवर्सिटी जो सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पुणे में, वो एक एमसीए के लिए रिप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके अगर देखा जाए तो उसका सिलेबस दूसरा है, पैटर्न दूसरा है, और लगभग ऐसा सिलेबस उसका है कि इंडिया के किसी कॉलेज में नहीं है। मतलब जहां से भी आप एमसीए करेंगे आपको सी, जावा ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन पुणे यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है, वहां एक अलग लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, ओके। तो आप समझ सकते हैं कि जब कहीं पढ़ाया नहीं जाता और आप वो चीज पढ़ के निकलेंगे तो इसका मतलब आपकी वैल्यू अलग होगी, क्योंकि वो चीजें आपने पढ़ी है जो किसी ने नहीं पढ़ के रखी है, ठीक है। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वहां का फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दें, और खासकर वो स्टूडेंट जरूर अप्लाई करें जिनके 60% नंबर नहीं है, ओके। 60% नंबर नहीं है वो लोग अप्लाई कर दें। वहां पर जो क्राइटेरिया है वो आप साइट से देख लीजिए, शायद आई थिंक 50% या 45%, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 और ऐसे जो है वो जनरल के लिए 50% क्राइटेरिया है, जहां तक हमें याद है, ओके। तो आप वो भी देख लीजिए वहां पर, तो वो स्टूडेंट जरूर भरें। साथ ही साथ वो स्टूडेंट भी जरूर इसका फॉर्म भरें जिनका ओवरऑल थ्रू 60 नहीं है, ओके। मतलब ग्रेजुएशन में 60 था लेकिन इंटर में 60 नहीं है या हाई स्कूल में 60 नहीं है, वो भी भर दें, क्योंकि वहां पर जो प्लेसमेंट होता है उस प्लेसमेंट में कभी भी इस बात का जिक्र नहीं होता है कि आपके पहले कितने थे, ठीक है। वहां पर बहुत ही कम परसेंटेज है तब भी आपका प्लेसमेंट अच्छे से हो जाता है, तो ये सारी चीजें आप याद रखें, ठीक है। दूसरी बात, पुणे यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ चुका है, आप वहां से भरना स्टार्ट कर दें। उसकी लास्ट डेट जो है वो 13 जून है और 15 जून तक फॉर्म पहुंचने की डेट है। मतलब फॉर्म फिल करने के बाद जो उसकी हार्ड कॉपी आएगी उसको विद डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड भी करना है, किसको? पुणे यूनिवर्सिटी को, ओके। तो आप सेंड करेंगे तो वो सेंड करने की डेट जो है वो 15 है। दूसरी बात, हम आपको बताएं कि जो भी आपका नोटिफिकेशन है उसको आप कम्प्लीटली पढ़ लें। हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है कि आप कहाँ पर पुणे यूनिवर्सिटी की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर सारी चीजें आपको दी गई है। और एक बात आपको बताते हैं कि पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस भी थोड़ी अलग चीज है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज होता है, और आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे, ओके। क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो सिलेबस के हिसाब से ही बनाता है, जो भी सिलेबस आपका होता है वो आपका बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो 10+2 की मैथमेटिक्स है, ठीक है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी उसमें आती हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि इस बार जो उन्होंने सिलेबस में लिख के दिया है वो ये दिया है कि क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, कम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन होंगे, तो सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, तो इस चीज का याद रखें। ऐसे टाइप का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे लिखने के लिए आएगा, ऐसे टाइप का मतलब ये है कि एक ऐसे दिया होगा और उसमें से जो जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे उसके आंसर आपको टिक करने होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का भी मतलब यही है कि बहुत सारे आपको दिए होंगे कॉम्प्रिहेंशन और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो आपको आंसर करने होंगे, ओके। तो पुणे का पैटर्न कुछ इस टाइप का है। दूसरी बात, हम आपको बता दें कि पुणे का पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है, और 3 घंटे के पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात की सियोरिटी नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी 75 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 50 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे पिछले साल 50 आए थे, उसके पिछले साल 75 आए थे, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वहां पर मार्किंग का पैटर्न भी फिक्स नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। कुछ क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, लेकिन वहां पर कोई डिस्क्राइब नहीं होता है। वो अपने आप से क्वेश्चन में डिस्क्राइब करते हैं वो लोग कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ओके। तो ये भी आपको सारी चीजें याद रखनी है। तो इतना तो हमने आपको बताया पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है इसकी हम लोग प्रिपरेशन
कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमने आपको बताया था कि 8 तारीख से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वहां पर पढ़ेंगे सारी चीजें पुणे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है, खुशखबरी यह है कि हम लोग पुणे यूनिवर्सिटी के लिए क्रैश कोर्स तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे कि हमने निमसेट का जब कोर्स स्टार्ट किया था तो आपसे हमने जो भी उसका चार्ज था वो हमने आपसे लिया था, फिर उसके बाद में कोर्स हमारा चालू हुआ था, ओके। तो इस बार ऐसा नहीं है, पुणे यूनिवर्सिटी के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये हमने कुछ चीजों को याद में रख के किया है कि जो लोग स्टूडेंट बच चुके हैं उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है, जैसे बीएचयू हुआ, निमसेट हुआ, यूपीटीयू हुआ, या फिर आपका और हुआ आईपीयू हुआ, वहां नहीं हो पाया है और अब भी वो पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, ओके। तो पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दूसरी बात हम आपको बता दें कि वो फ्री का कॉस्ट होगा, लेकिन उसको आपको कहाँ पे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सोच लें, ठीक है। तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको जो वो चीजें पढ़नी है वो हमारे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़नी है, जो अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है जहां पर हम यूजर हैं, तो वहां पे आपको वो सारी चीजें पढ़नी है। अब वो चीजें किस तरीके से पढ़ेंगे, तो देखो उसमें क्या है कि पहले से भी वीडियोज पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन वीडियोज को दोबारा से अगर हम पढ़ाएं तो उनका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, या उनका कोई अपने आप में एक सही चीज नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार करना, वही चीजें बार बार पढ़ना ज्यादा सही नहीं है। तो वहां पर जो हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डाल रखे, जैसे वहां पर जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि पुणे यूनिवर्सिटी में लगभग उसी से आ जाते हैं, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहां पर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, इन पर सब पर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस किए हुए। बात आती है वहां पर जैसे सीक्वेंस सीरीज देखे हम लोग, ठीक है, और जो डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पुणे यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमने जेई मेंस के नाम से कर रखा है, और आपको पता है कि एमसीए के लगभग हर एंट्रेंस एग्जाम में जेई मेंस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उसी पे बेस पूछे जाते हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके पास कि आपके जेई मेंस के क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ओके। तो हम लोग वहां पर वो तो जो पड़े हुए हैं वो तो आप सारे देख लेंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कैसे देखने हैं। जितने भी कोर्स पड़े हुए हैं, जितने भी वीडियोज पड़े हैं, सारे आप देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो वो जैसे आपने देखा भी कि निमसेट में भी वही क्वेश्चन आए जो हमने आपको बताए थे, हमने कहा था अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के आप क्वेश्चन पढ़ लें, उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया सर 15-16 हमने ऐसे ही टिक कर दिए, देखते ही देखते टिक कर दिए, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही टिक करें पुणे यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर उससे क्वेश्चन आए, बीएचयू में भी क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है, जामिया का भी कल पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आपके आए हुए थे, प्रोबेबिलिटी का तो वही क्वेश्चन था कि बॉल्स हैं, कलर हैं, इससे उसमें डाली जाती है, उससे निकलने प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वैसे ही आते हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जो पड़े हुए वीडियोज हैं वो कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ओके। जो पड़े हैं पहले से, जैसे प्रोबेबिलिटी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हम इस समय डाल रहे हैं, लिमिट के हम लोग डाल रहे हैं, उसके पहले जो पड़े हुए हैं, सीक्वेंस सीरीज है, डिटरमिनेंट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये तो सारे आप जेई मेंस के देख लेंगे। आगे जो हम लोग डालेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर, लिमिट, डिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ये सारे क्वेश्चन डाल लेंगे और इनकी सारी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये तो तरीका हुआ आपका मैथमेटिक्स पढ़ने का। अब आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है, इस बात को समझें। तो रीजनिंग के लिए आपको हम यहाँ YouTube पे पढ़ाएंगे, ओके। रीजनिंग के लिए आपको YouTube पे हम आपकी क्लास लेंगे और YouTube पे बताएंगे कैसे आपको करना है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे नहीं पूछे जा सकते हैं, क्या वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक और वहां पर एक अच्छा टॉपिक है जो कि काफी टीचर्स नहीं पढ़ा पाते हैं या टीचर्स को वो चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। और ये मेरा अपना डिसीजन है, ये मैंने पता किया है कि वो टॉपिक काफी टीचर्स नहीं पढ़ा पाते हैं, इस बात की मैं श्योरिटी ले सकता हूँ, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है लॉजिकल डिसीजन, ओके। लॉजिकल डिसीजन जो है वो अच्छे अच्छे टीचर्स नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ मैथमेटिकल तरीके से रीजनिंग होती है, ओके। कैसे रीजनिंग होती है, मैथमेटिकल तरीके से, ठीक है। तो उन मैथमेटिकल तरीके से रीजनिंग जो होती है उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं, ओके। तो अगर आपका एक क्वेश्चन भी आ जाता है, दो क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमारे पास थी, आप इनको सारे कलेक्ट करके रखें, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहां से आप ओपन कर लें और अच्छे से वहां से फॉर्म भरें,
कोई भी मिस्टेक ना करें, आपको कहीं डाउट होता है आप कॉल कर लें। दूसरी बात, हमने आपको क्राइटेरिया नहीं बताया सीट के लिए, कितनी सीटें हैं। तो पुणे यूनिवर्सिटी में 50 सीटें हैं, 50 सीटें में से टोटल 21 सीटें जो हैं वो उनके महाराष्ट्र के लिए रिजर्व हैं और 21 सीटें उनके रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। बची कितनी, 42 सीटें हो गई और आपके पास बची कितनी, 60 सीटें हैं, ठीक है। बची कितनी आपके पास, 9 और 9 18 सीटें, ठीक है। तो जो 9 सीटें हैं वो अदर स्टेट के लिए हैं और 9 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। तो 9 सीटों पे आपका कंपटीशन है, मतलब जितने भी आप महाराष्ट्र के बाहर एंट्रेंस देते हैं केवल आप 9 सीटों के लिए फाइट करते हैं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई ऐसी है जहां से पुणे यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरा जाता है, तब भी आपके पास एक अच्छा चांस है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से एक बच्चा लिया जाता है। और आप अगर ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं और वहां पे आपकी रैंक कुछ भी आती है, अच्छी रैंक आ जाती है, तो आप वहां से ले पाएंगे, क्योंकि और बच्चों ने फॉर्म भरा नहीं होगा। ये प्रॉब्लम वहां होती है जिस यूनिवर्सिटी से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। ओके, तो ये तो हुई सारी चीजें, तो तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय। बहुत ही आप अच्छे से मेहनत करें, बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहें, और जो भी ये चीजें हैं इस समय, ठीक है, उन पे दिखावे पे आप ना जाएं, आप अपने ऊपर मेहनत करें और अपने अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। ज्यादा कोई भी इधर उधर की चीजें पर ध्यान ना दें। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू।